हेलो फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं यार कि आप लोग मुझे जानते हैं यूट्यूब हेल्प 2019 के बारे में यार। तो वहाँ पे मेरी चैनल वो हो गई है डिलीट। तो वो चैनल कैसे डिलीट हुई और उसमें मैंने क्या गलती की, ताकि आपका भी दोस्तों वो चैनल डिलीट ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो यार। ऐसे मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को पता चले और आपकी हेल्प हो, और मुझे भी ग्रो करने के लिए बहुत यार बहुत हेल्प चाहिए आपकी यार। अगर आप दोस्तों मुझे हेल्प करते हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि उसमें यूट्यूब ने साफ साफ मुझे बता दिया कि वो चैनल रिकवर नहीं हो सकती। अगर आपको वो चैनल रिकवर करनी है तो आपको रिकवर कर देता हूँ, लेकिन आपके जो सारे सब्सक्राइबर है, आपके जो वीडियो के डेटा थे, वो डेटा आपको नहीं मिलने वाले। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कुछ हो जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि मैं प्रूफ की आपको देखने बताने वाला हूँ। तो चलो, हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक हेल्प चाहिए आप सबकी यार, और आप सबकी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरी चैनल हो गई है डिलीट। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही मेरी चैनल को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरी चैनल मेरे सारे फ़ोटो आ रहे वाटर मार्क। देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ओपन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी चैनल हो गई है रिमूव दोस्तों। यहाँ पे कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी चैनल हो गई है दोस्तों रिमूव। प्लीज़ मुझे हेल्प करो यार दोस्तों। यहाँ पे हो गए सारे के सारे मेरे वीडियो हो गए डिलीट, क्योंकि यहाँ पे यार रिमूव हो गया यार। मेरे कितने भी सारे वीडियो को देख लो, यहाँ पे कर लूँ तो भी हो गया है रिमूव दोस्तों। मुझे हेल्प करो यार, मेरी चैनल हो। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो ध्यान से देखो, मैंने भी ऐसे स्टेप फॉलो किए थे, मेरी चैनल डिलीट हो गई थी। और आपको ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं तो आपको आराम से करने हैं, वीडियो देखना है वो स्टेप फॉलो करना है, ऐसे ही करना है। तो चलो मैं सारे स्टेप बता देता हूँ। चलो ऑन कर देता हूँ यूट्यूब आइकॉन को, www.youtube.com डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है यार, मेरी ईमेल आईडी को मैं ब्लर कर दूंगा दोस्तों यार। यहाँ पे करना है लोगों पे क्लिक करने बाद क्रिएट स्टूडियो पे चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी आपको मत दिखाई दे, इसलिए फास्ट प्रोसेस कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी को मैं ब्लर कर दूंगा दोस्तों। आपको बता देता हूँ, सी ऑल माई चैनल और क्रिएट अ न्यू चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू चैनल, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे क्रिएट न्यू चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कर देते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख देना है अपना जो भी चैनल नेम है क्रिएट करने वाले हो अभी वो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रोटेट किया है, तो वहाँ पे लिखने के लिए इतना कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि आपको बड़ी अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे चैनल का नेम कूल, लिखता हूँ फिर लिख क्या करता हूँ, मैं फॉर करता हूँ, कूल फॉर टेक रखने वाला वो भी मेरे चैनल का नेम। मैंने हमारा ब्रांड कर लिया और यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट। आपको क्रिएट कर लेना है, जैसे ही दूसरी आपकी ऐसी चैनल क्रिएट हो जाएगी दोस्तों यार, क्योंकि वो सारी प्रोसेस हो रही तो वो फिर से हमारा यूट्यूब ओपन होगा, फिर से वो गूगल क्रोम में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो गूगल क्रोम में हम जैसे ही चले जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे रीडायरेक्ट पेज कर देगा दोस्तों। आपको ये प्रोसेस को देखना है आराम से, जहाँ तक आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको ये होने वाला नहीं दोस्तों। फिर क्या होता है, ये हमारी चैनल क्रिएट हो चुकी है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो हमारा कॉल फॉर टैग है वहाँ पे सेटिंग में जाना है। वहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद फिर से हमें करना है वहाँ पे सी ऑल माय चैनल क्रिएट अ न्यू चैनल, वहाँ पे जो हमारा ये यूट्यूब वाला चैनल था यहाँ पे कर देना है दोस्तों। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी गलती मत करें, पर आप आराम से करें। अगर वीडियो देखे एक बार और साथ में वहाँ पे करते रहे तो ही आपको ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे स्टेप फॉलो ऐसे ही किया था यार, कि मैंने एक बार वीडियो देख लिया, बाद में स्टेप फॉलो कर रहा था, तो उसी में मेरी चैनल को मुझे मूव करना था, वहाँ पे मेरी चैनल को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद में मूव करने गया तो मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया दोस्तों यार, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मेरा अकाउंट में ब्रांड बनाना चाह रहा था, तो उसमें मैंने ब्रांड के जगह पे वहाँ पे उसको मुझे मूव करना था और फिर डिलीट करना था। तो मैंने पहले डिलीट किया फिर मूव किया, तो सारा का सारा जो डेटा था वो डेटा
खत्म हो गया दोस्तों यार, तो फिर से आपसे मैंने नया चैनल शुरू कर लिया, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो यार दोस्तों। सारे दोस्तों को फिर से यार एक विनती करना चाहूँगा यार कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप ये गलती न कर पाओ और मेरे साथ साथ आप भी ग्रो कर पाओ यार, क्योंकि मैंने जो चीज़ की ही, मैंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ तो मैं सुधारूंगा यार, और उससे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाऊंगा यार, क्योंकि मैंने गलतियाँ की ही है, लेकिन जो गलतियाँ से सीखता है ना वो ही आगे बढ़ता है यार दोस्तों। और एक बात ज़रूर बता दूँ यार कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस मैं फिर से शेयर कर सकता हूँ यार दोस्तों, लेकिन जो डेटा गया उसके बारे में तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी हुई है वो फिर से आपको यार अच्छी तरह से और बहुत बढ़िया तरह से बताने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही फिर से आपके साथ।